अयोध्यारे भव्य और दिव्य दीपोत्सव 25 लाख दीपालोक झलसिला सरज तट अयोध्या नारे नुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड अयोध्यारे भक्तिमय परिवेश दीप जाली भगवान श्रीराम को स्वागत करिछंती अयोध्यावासी अष्टम वार्षिक दीपोत्सव सरजू तटे एक संगे जलि 25 लाख दीप प्रभु श्रीराम रथ टाणी दीपोत्सव शुभारंभ करिछंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर रे रामलाला प्राण प्रतिष्ठा पर प्रथम दीपोत्सव होइतिबारु श्रीराम मंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पक्षर होइछि भव्य आयोजन आसंता नवेम्बर 1 जाए अयोध्या नगरी रे जारी रहिछि उत्सव राम की पेड़ी रे लाइट और साउंड शो माध्यम लंकारु रावण बद्ध करी फेरिथिबा श्रीरामचंद्र स्वागत दृश्य देखि अभिभूत होइछन्ति विदेशी पर्यटक यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है अनुपम है अलौकिक है अद्वितीय है जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए संघर्ष का रास्ता अपनाइए सफलता जरूर प्राप्त करेगी मंदिर रे रामलाला प्राण प्रतिष्ठा परे प्रथम थर पर दीपोत्सव आयोजन होइतिबारु एहाको पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिक भव्य और दिव्य करिबाकु श्रीराम मंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पक्षरु प्रयास होइछि दीपोत्सव को नहीं श्रद्धालु सह विदेशी पर्यटकों मध्य बेस उत्कंठा देखा मिली दीपोत्सव को नहीं पूर्व वर्षर गिनीज बुक ऑफ रेकर्ड भांगी नुआ रेकर्ड करिछि अयोध्या गत वर्ष सप्तम दीपोत्सव 22,23,000 दीप जलाजीबा सह बनिथिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड प्रयागराज जिला प्रशासन पक्षरु दीपोत्सव को स्मरणीय करिबा लागि सरजू तटरे 5 स्थान रे सामूहिक दीप प्रज्वलित होइछि यह अयोध्या के लिए ही नहीं है पूरे देश के लिए है मानव समाज के लिए है संस्कृति और देश की सुरक्षा और सभ्यता के लिए है 2017 से हम लोग लगातार यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम में आ रहे हैं वॉलंटियर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये पहल जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया वो देश की छवि को पूरे विश्व में एक नया रूप दे दिया अयोध्या को लोग दीपोत्सव के नाम पे भी जाने लगे ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है 500 वर्षों बाद ये पहली दीपावली है जो भगवान राम के भव्य मंदिर में स्थापित होने के बाद मनाई जा रही है जो आज का दृश्य है ये बहुत ही अच्छा दृश्य मतलब आप समझ सकते हैं मतलब देश में सब लोग सबकी नजर इस वक्त अयोध्या के ऊपर ही है दीपोत्सव सह सरजू तटरे 1100 महिला एक संगरे आरती करी आउ एक रेकर्ड करछंती दीपोत्सव को नहीं प्रयागराज प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करिछि श्रीराम मंदिर प्रांगण में प्राय 10,000 पुलिस कर्मी नियोजित होती उत्सव आयोजन को नहीं राज्य सरकार उत्तर प्रदेश रे 2 दिनिया छुट्टी घोषणा करछंती ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।